नमस्कार दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनकी बात करते हैं कि माइनॉरिटी वालों की स्कॉलरशिप भाई क्यों नहीं आ रही। तो पहला क्वेश्चन हिना सिद्दीकी, ये कहती है कि मेरे सभी फ्रेंड का पूरा पैसा आ गया है बट वो सभी हिंदू की आई है, हम माइनॉरिटी वालों का कुछ नहीं, सारे फॉर्म माइनॉरिटी के निकाल के फेंक दिए जाते हैं, क्या प्लीज़ रिप्लाई देना। देखिए भाई, ऐसा है कि जब स्कॉलरशिप आती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, जो भी है, ठीक है। और बहुत से मुस्लिम दोस्त भी ओबीसी में आते हैं, तो ये तो है नहीं कि आपको फेंक दिया गया या कुछ भी कर दिया गया। ये हो सकता है कि पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी स्कॉलरशिप एकदम से सारी कास्ट को नहीं मिलती, सारी मतलब सारी जितने भी कैटेगरीज हैं सबको नहीं मिलती। सबसे पहले मिली थी जनरल वालों को, आप सभी को पता है। उसके बाद ओबीसी की स्कॉलरशिप आई थी, उसके बाद एससी और एसटी की स्कॉलरशिप आई थी, अब बची है भाई माइनॉरिटी की। तो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप आपको जल्द ही आपके अकाउंट में मिल जाएगी, मतलब देखते हैं। अभी आपको भी पता है, अब सबको पता है कि भाई इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पर आपको स्कॉलरशिप देने को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जितनी ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, जितनी ज़्यादा जो अहमियत है वो आपको दी जाएगी भाई, उनको जो मतलब इलेक्शन को ही ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आप वेट कर सकते हो, और ऐसी कुछ नहीं है कि भाई नहीं आएगी। माइनॉरिटी का बताओ, आप आ ही नहीं रही है उसका पता है कुछ, तो प्लीज़ माइनॉरिटी का पहले बताएं। तो भाई देखो, माइनॉरिटी की तो ये सुन लो कि माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप आएगी, ऐसा तो है नहीं कि माइनॉरिटी को नहीं मिलेगी, मिलेगी पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 20 तारीख के बाद जो आए। और जो लोग पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट कब है, तो भाई लास्ट डेट कुछ नहीं है अभी तक। अगर बीच में काम रुक जाते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, या कुछ भी ऐसी कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें तो देखो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑफिस नहीं खुलते। पर हाँ ये है कि स्कॉलरशिप जो है सभी कैटेगरी को मिलेगी और माइनॉरिटी वालों को भी मिलेगी, आप थोड़ा तो वेट करो भाई। और सर मेरा प्रमोट है तभी नहीं आई, प्रमोट होने से कोई मतलब नहीं है हिना सिद्दीकी जी, मैं आपको बता दूं कि प्रमोट होने से, 4-5 कमेंट कर रखे हैं कि प्रमोट होने से कोई मतलब नहीं है। प्रमोट हर बच्चा जितने भी इस बार पढ़े हैं सभी के सभी प्रमोट हुए हैं, तो प्रमोट होने से उनका कोई मतलब नहीं कि प्रमोट हो रहा है या क्या हो रहा है। स्कॉलरशिप जिन्हें देनी है उनकी सबकी आएगी भाई, ठीक है। और बात करें कि मैंने 1076 पे कंप्लेन की थी, वहाँ से एक लेटर मिला है, हाँ लेटर उस पर मिला होगा, उन पर अभी काम या तो लिखा होगा कि भाई आपको स्कॉलरशिप आपकी भेज दी जाएगी, या उस पर लिखा होगा कि भाई वो स्थगित कर दिया कि अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगर कुछ भी रहा, कुछ भी नया मिला तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।